आइएगा। अब चलिए देखते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा यहाँ पे। तो बात करते हैं सबसे पहले आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। तो देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। सो सबसे पहले क्लास 10 का सर्टिफिकेट लगेगा आपको, जो कि फॉर्मेट इसका पीडीएफ या फिर जेपीजी में होना चाहिए। और इसका मैक्सिमम साइज 1 MB दिया हुआ, यानी कि आपको 1 MB से कम में अपलोड करना है। और सेकेंड नंबर में आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट देना है, जो कि इसका भी फॉर्मेट है वो पीडीएफ या फिर जेपीजी फॉर्मेट में दे सकते हैं, जो कि इसका मैक्सिमम साइज 1 MB दिया हुआ है। थर्ड नंबर में आपको आईटीआई का मार्कशीट देना, जो कि ऑल सेमेस्टर का एक सिंगल पीडीएफ में होना चाहिए, यानी कि सारे सेमेस्टर का आपको एक सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके देना है। और इसका जो फॉर्मेट है वो पीडीएफ में ही सिर्फ देना, जेपीजी में इसको नहीं देना है। और इसका मैक्सिमम साइज जो 3 MB तक दे सकते हैं। फोर्थ नंबर में आपको एनसीबीटी सर्टिफिकेट देना है, ये आप पीडीएफ या जेपीजी दोनों में किसी में भी दे सकते हैं। और इसका भी मैक्सिमम साइज 1 MB, लेकिन आप ज्यादा कोशिश कीजिए कि 1 MB से कम में दीजिएगा। फिफ्थ नंबर में आपको पासपोर्ट साइज फोटो देना है, जो कि कलरफुल फोटो होना चाहिए और ये जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पे मैक्सिमम साइज इसका 1 MB है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे डिग्री कैंडिडेट्स के लिए कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहले इसमें भी आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट लगेगा और सेम फॉर्मेट में लगेगा, पीडीएफ या जेपीजी में होना चाहिए। इसका भी मैक्सिमम साइज 1 MB है। सेकेंड में इसका भी कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगेगा सेम फॉर्मेट में। और इसमें थर्ड में मार्कशीट आपका लगेगा सारे सेमेस्टर का, इसमें भी सिंगल पीडीएफ में आपका लगेगा, ये सिर्फ पीडीएफ में ही दीजिएगा। और इसका मैक्सिमम साइज जो 3 MB तक का। फोर्थ में इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें आपको एक प्रोविजनल या फिर डिग्री सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आपको देना है, जो कि पीडीएफ या जेपीजी किसी में भी हो सकता है। और इसका 1 MB तक मैक्सिमम साइज होने चाहिए। फोर्थ में फिफ्थ नंबर में इसमें भी आपको पासपोर्ट साइज फोटो देना, जो कि कलरफुल फोटो आना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और फ्रेंड्स उनके लिए ये है फिफ्थ, यहाँ पे आप ये पॉइंट देख लीजिए कि जो लोग स्किल सर्टिफिकेट होल्डर हैं, यानी कि जिनके पास स्किल है, टैलेंट है, वो या फिर वो लोग फ्रेश अप्रेंटिसेस हैं, तो उनके लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा वो एक बार देख लीजिए। सबसे फर्स्ट नंबर में आपको क्या देना है, यहाँ पे क्लास 10 का सर्टिफिकेट देना है आपको, वही फॉर्मेट में पीडीएफ या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। मैक्सिमम साइज यहाँ पे इसका 1 MB, यानी कि आपको 1 MB से कम में अपलोड करना है। और इसमें देखिए आपको क्लास 12th का भी सर्टिफिकेट मांगा गया, जो कि पीडीएफ या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर में आप देखिए इसमें स्किल सर्टिफिकेट देना चाहिए, जो कि ओनली फॉर ऑफिस असिस्टेंट, जो लोग ऑफिस असिस्टेंट के लिए उनको सिर्फ ये स्किल सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि ट्रेड कोड आप दे सकते हैं यहाँ पे 21 के लिए और एंड वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव ट्रेड कोड 22, ये वही लोग के लिए स्किल सर्टिफिकेट लगेगा सिर्फ। और यहाँ पे आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा, TC आपको लगेगा, जो कि इसको भी आप PDF या फिर JPG में देना है आपको और 1 MB से कम में अपलोड करना है। और फिफ्थ नंबर में आप देख सकते हैं इसमें भी आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि PDF या JPG किसी में भी दे सकते हैं और 1 MB से कम में आपको अपलोड करना है। और सिक्स नंबर में पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है आपको, जो कि कलरफुल फोटो होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में देना है आपको और 1 MB से कम में देना है। उसके बाद क्या करना है, इतने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे एक सबमिट बटन का ऑप्शन होगा, उस पर आपको सबमिट कर देना है। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।